गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, दिस विल बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर एट. ठीक है, ये आपके चैप्टर एट का फर्स्ट लेक्चर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्लो चार्ट. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है बेटा? तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे हम लोग आपस में इंटरैक्ट करने के लिए, मतलब हम आपस में कनेक्शन बनाने के लिए, मतलब जब हम आपसे बात कर रहे हैं या आप किसी और से बात करते हो, तो आप लैंग्वेज का यूज करते हो. हिंदी, इंग्लिश, तमिल या जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आप उस लैंग्वेज के थ्रू किसी भी सेकंड पर्सन के साथ में कनेक्ट होते हो, है ना. मतलब किसी से अगर आपको बात करनी है तो आपको और उसको सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना. तो वैसे ही कंप्यूटर के साथ जब आप इंटरैक्ट करते हो, ठीक है, कंप्यूटर के साथ जब आप इंटरैक्ट करते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. अब ऑल्दो पहले के जमाने में ये रूल था कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, जैसे जैसे लोगों ने, मतलब लोग एडवांस हुए, उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बदल दिया. ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? मतलब एक ऐसा इंटरफेस, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको लैंग्वेज आए ना आए, लेकिन आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्शन कर सको. ठीक है, तो लेकिन फिर भी प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा नीड होती है अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हो, बातचीत करते हो. फ्लो चार्ट क्या है बेटा? फ्लो चार्ट आपके मेथड होता, ओरिजिनल मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम लिखते हो. ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है? जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम लिखने में आपको आसानी होती है. फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन. अ लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ. तो वही मैंने बोला कि लैंग्वेज के बिना हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे किसी के साथ या बात नहीं कर पाएंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ओनली वी कैन टॉक एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. तो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं या एक दूसरे को समझ पाते हैं. इन सेम वे वी नीड अ लैंग्वेज विच यूजर एंड कंप्यूटर बोथ कैन अंडरस्टैंड. तो यूजर मीन्स जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, मतलब हम और आप. ठीक है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन हो सके ऐसी लैंग्वेज हमें चाहिए. ठीक है, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इसी टाइप की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है, जो कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन है डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं कि जिससे कि वो कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर के साथ में. ठीक है, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है बेटा मशीन लैंग्वेज. ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ पाता है. ठीक है, कंप्यूटर एबीसीडी नहीं समझता बेटा, वो हिंदी भी नहीं समझता, हिंदी की आ ई भी नहीं समझता. वो क्या समझता है? वो जीरो एंड वंस, मतलब मशीन की लैंग्वेज ही समझता है. ठीक है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर जीरो एंड वन. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड वन समझते हैं. इन मशीन लैंग्वेज ऑल इंस्ट्रक्शंस आर मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन. तो मशीन लैंग्वेज में जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करते हो या मशीन अपने आप से कन्वर्ट कर लेती है, तो वो जो भी लैंग्वेज होती है वो जीरो एंड वन के फॉर्म में होती है. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस लैंग्वेज. Because learning and writing any language with combination of 0 and 1 only is very difficult. ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भैया सिर्फ 0 एंड 1 की हेल्प से आपको पूरी पूरी लैंग्वेज लिखनी है, तो ये बहुत टफ चीज होगी. मतलब हर एक चीज को आप सिर्फ 0 एंड 1 की हेल्प से लिखोगे. ठीक है, तो द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वॉज अ वुमेन. तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर था वो वुमेन था, मतलब थी. फिर आ जाता है असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कमांड्स एज मशीन लैंग्वेज, बट इट अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज नेम इंस्टेड ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या करती है? ये हमें प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि हम नेम यूज करें नंबर की जगह पे. ठीक है, इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल फॉर एनी प्रोसेसर. ठीक है, तो ये मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी प्रोसेसर पे काम कर जाएगी. द
This language uses mnemonic codes and symbolic address to specify the process of writing programs. तो mnemonic codes क्या बेटा, ये आपके symbols की help से code लिखे जाते हैं, ठीक है, और ये particular कोई भी प्रोसेस लिखने के लिए यूज कर सकते हो आप, मतलब कोई भी चीज का अगर आपको कमांड लिखने तो निमोनिक कोड से आप लिख सकते हो. इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है, बट मशीन के लिए ये आसान है, ठीक है. यूजुअली द असेंबली प्रोग्राम्स आर रिटन इन मॉड्यूल्स एंड पुट टुगेदर फॉर द फाइनल रन. द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. तो मैन्युफैक्चरर्स जो कंप्यूटर बनाते हैं वो इस तरीके से कंप्यूटर को बनाते हैं कि उसमें वो ऐसा प्रोग्रामिंग डाल देते हैं कि वो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, ठीक है. तो ये था आपका मशीन लैंग्वेज का असेंबली लैंग्वेज. अब इसके बाद आ जाता है असेंबलर. तो बेटा असेंबलर के बारे में हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास.